हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल विल बी फाइन। सो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि आप जो अपनी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है AEBAS, उसके सॉफ्टवेयर आप मोबाइल फ़ोन से या फिर कंप्यूटर से या फिर अपनी जो आपकी अटेंडेंस मशीन है बायोमेट्रिक, उससे आप कैसे वो सॉफ्टवेयर जो है अटेंडेंस के लिए ज़रूरी हैं वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है मोबाइल फ़ोन पे जैसे आप डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ पे अटेंडेंस HP करके गूगल पे सर्च करोगे तो ये जो आपको जो ऑप्शन आएगी hpdhe.attendance.gov.in, आपने इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास जो है ये वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये 3 लाइन्स दिख रही हैं आपको लेफ्ट साइड टॉप पे, यहाँ पे टच करना है और यहाँ पे लॉगिन जो लास्ट ऑप्शन है लॉगिन, आपको इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर टच करते ही आपके सामने जो है यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो है अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो यहाँ पे एंटर कर देना है और नीचे जो है जो आपको जो कंफर्मेशन कोड है जो आपको दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसे ही आपको नीचे टाइप कर देना है। तो मैं अभी इसको टाइप कर देता हूँ और इसके बाद आपको साइन मी इन पे टच करना है। इसके बाद अब जो आपका जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है उसमें जो एक चेंज किया गया है उसका, जब आप लॉगिन करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक OTP मांगेगा और वो OTP जाता है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID या आपके मोबाइल नंबर पे। तो अभी जो है OTP गया है वो ईमेल ID पे गया है, तो मैं अभी ईमेल ID से OTP चेक कर लेता हूँ पहले। इसके लिए आप अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसको ओपन करेंगे और वहाँ पे जाने के बाद अगर आपको वो नहीं दिखाई दे रहा तो एक बार उसको रिफ़्रेश कीजिए पेज को, आपको जो है वो OTP जो है वो दिखाई देने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है मेरा OTP आ गया है। अब मैं इस OTP को जो है अपने पेज में जो है वो एंटर कर दूँगा और वेरीफाई पर टच कर दूँगा। उसके बाद ये देखिए जो मेरा लॉगिन है वो इसमें हो गया है। अब ये जो फिर से वही टॉप लेफ्ट पे जो 3 लाइंस आ रही हैं ग्रीन कलर की, आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ पर एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है कंसोल, आपको फर्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड, उसके बाद है कंसोल। कंसोल पे टच करेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन है वो ऐसे ओपन होगी और जो ये स्क्रीन आपकी ओपन होगी इसमें आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रही है ग्रीन कलर में नीचे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड फॉर एंड्रॉयड और डेस्कटॉप। तो आपको इस ग्रीन कलर की ऑप्शन के ऊपर टच करना है और उसके बाद आपके स्क्रीन पास जो स्क्रीन ओपन होगी वो ये वाली ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक आ रहा है जनरल इंस्ट्रक्शंस और राइट साइड पे आ रहा है BAS एप्लीकेशन इंस्टॉलर्स। इसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन है डाउनलोड फॉर एंड्रॉयड, फर्स्ट जो है टॉप वाली वो डाउनलोड फॉर विंडोज़ है जो कि आप कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है डाउनलोड फॉर एंड्रॉयड फिंगरप्रिंट एंड आयरिस, इसमें ये जो है आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है टैब, इसके नीचे फर्स्ट है BAS एंड्रॉयड क्लाइंट APK V10.05, आपको इस पर टच करना है। जो आपका सॉफ्टवेयर है अटेंडेंस का वो यहाँ पर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड, ये देखिए अभी डाउनलोड हो रहा है। इसको डाउनलोड करने के बाद आप जो है इसको अपनी बायोमेट्रिक मशीन में पेन ड्राइव के थ्रू डाल के इंस्टॉल करके आप जो अपना अटेंडेंस सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका अटेंडेंस सिस्टम जो है वो चल जाएगा। है 4.47 MB का ये सॉफ्टवेयर है। ये डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपनी बायोमेट्रिक मशीन में इंस्टॉल करें। उसके बाद ऑथेंटिकेशन मांगेगा एक बार, आप अपनी फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेट करके अपने जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है उसको ईजिली चला सकते हैं। ये देखिए आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो गया है 4.47 MB का। आप इसको अपनी बायोमेट्रिक मशीन में पेन ड्राइव के थ्रू डाल के उसमें इंस्टॉल करके अपना जो अटेंडेंस सिस्टम है अपनी मशीन जो है उस पर अटेंडेंस लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगी आपको ऐसे ही, आपको इसको इंस्टॉल पे टच करना है और इसको इंस्टॉल कर देना है। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।